क्या वजीर आजम बन जाएगा बिलावल भुट्टो? नहीं, कभी भी नहीं बनेगा। क्यों? सोच ही नहीं सकता कि मैं वजीर आजम बनूंगा। वजीर आजम बनेगा तो उसको फिर घुंघरू डालने पड़ेंगे, साड़ी डालनी पड़ेगी साथ। बिलावल भुट्टो ही जेड़ा ना साड़ा वजीर आजम आवे। जनाब देखो ये जेड़े बड़े मुछा ले, बगैर मुछा तो ताकतवर वजीर आजम आए कुछ भी नहीं कर सकते, मुल्क नु डिफाल्ट किया। हुण साडे मुल्क हिजड़ियां दी हुकूमत आनी चाहिए, असीं ताड़ियां मारिए तो नचे। ये बिलावल साहब उत्ते बैग वजीर आजम दी जगह ते नचन, अहीं ताड़ियां मारिए। गल हिजड़ियां दी हुकूमत अहीं हुण पसंद करने थक गए। बन जाए बाय द वे ऐसा वजीर आजम मिले? नहीं बन जाए, उसका क्वालिटीज नहीं है ना वजीर आजम वाली। कॉम्पे टांग रही है, कभी कहता आसमान से सलाम गुजर रहा है। वही ना कहता आसमान से सलाम गुजर रहा है यार, अकेला सलाम है जब आसमान तो ना कहता। देखा वो कहाँ बन सकता है यार, उसमें वो टैलेंट ही नहीं है कोई जो वजीर आजम वाला होता है। वजीर आजम पाकिस्तान बन सकता है बिलावल भुट्टो? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं बन सकता? उसके अंदर वो खुसरों का गुरु नहीं बन सकता, फिर वजीर आजम क्या बने? तो ऐसा बच्चा वजीर आजम बहुत दूर की बात है, बच्चा अभी बच्चा है, फीडर वगैरह पिए उसके पास की बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, बिलावल भुट्टो साहब ने सिंध में और कराची में मार्का मार लिया, पीपल्स पार्टी वहां से जीत गई है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर बिलावल भुट्टो पंजाब में आता है या पाकिस्तान में पूरे में वजीर आजम बन जाएगा, वो इसी तरह जनरल इलेक्शन में वो सफाया कर सकता है या नहीं कर सकता, ये तो मुझे आवाम ही बताएगी। मेरे साथ रहिए, आवाम से बात करते हैं कि बिलावल भुट्टो पंजाब में आएगा तो क्या यहाँ भी सफाया करेगा या नहीं करेगा, और पाकिस्तान का वजीर आजम बन सकता है या नहीं बन सकता, ये आवाम मुझे बताएगी, कहीं मत जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल है भैन? शुक्र अल्लाह दा भाई। देखो मैंनू माफ कर देवे अल्लाह, मैं तुहानू भैन कह रहा। बड़ी गल है भैन, बड़ी गल है, इज्जत देती है। कौन कहंदा वांसरी नू कौन भैन कहंदा? कोई भी नहीं। हालांकि अपनी गल कर रहे ने। देखो अपनी गल कर रहे। दसो चलो तू वांसरी दा सुराख है जित रख के बजाई दी। हां जी हां जी ठीक है ठीक। नाम बताए आप अपना। अली। अली, अरे जबरदस्त नाम है अली भाई। क्या कहते हैं बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी ने कराची में तो मार्का मार लिया, क्या समझते हैं पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन अगर जनरल इलेक्शन होगा तो क्या वजीर आजम बन जाएगा बिलावल भुट्टो? नहीं, कभी भी नहीं बनेगा। क्यों? सोच ही नहीं सकता कि मैं वजीर आजम बनूंगा। वजीर आजम बनेगा तो उसको फिर घुंघरू डालने पड़ेंगे, साड़ी डालनी पड़ेगी साथ, आपको पता ही है उसका। घुंघरू डालेगा, साड़ी पहनेगा तो फिर ही वजीर आजम बनेगा ना। सही गल, साड़ी पाएगा, हाँ जी, घुंघरू बनेगा, हाँ जी, तो फिर वजीर आजम बनेगा। हाँ जी बिल्कुल। यार बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खा रहे हो? हाँ जी, खा रहे हो तो खवा भी रहे। खवा भी रहे ऐ मुल्क जी, इस तरह ही है। अगर मेरी सर गल सुनो, ये मुल्क जी यदि खाते ना, अगर खवाओगे भी तो चलोगे, यदि खाली कल्ले खाओगे तो फड़े जाओ। अगली टीम नहीं खवाना, अगली टीम नहीं। साढ़े मुल्क जिन्ने भी दारे खाते ने और खवाते ने, जिम्मे शबाशी भी होना, लोग कहने ना एक कुछ खाते ने तो लाते भी ने। गल नहीं, जो पुराना डायलॉग वो फिर आ जाते हैं, इतने जिंदा उन्हें रहना है जिहड़ा खाता है और खवादा। हाँ हूँ इमरान खान ने खाधा खुदा कोई नहीं, हूँ छित्र खाता पे। गल समझ, निजाम यही जो सच्चा बंदा जलील होता है। सच्चा बंदा सिस्टम आउट, बहुत खूबसूरत बात कर रहे हैं। सच्चा बंदा जलील होता है। क्या कहते हैं जी, पीपल्स पार्टी ने कराची में तो मैदान मारा है, सिंध में मैदान मार लिया, और जनरल इलेक्शन जब होगा क्या पंजाब के अंदर या पूरे और सूबों के अंदर जनरल इलेक्शन हो तो क्या बिलावल भुट्टो सफाया कर जाएगा और वजीर आजम बन जाएगा? सर जी मेरी तो ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो ही जेड़ा ना साडा वजीर आजम आवे। सर के जनाब देखो ये जेडे बड़े मुछा ले, बगैर मुछा तो ताकतवर वजीर आजम आए कुछ भी नहीं कर सकते, मुल्क नु डिफाल्ट किया। हुण साडे मुल्क हिजड़ियां दी हुकूमत आनी चाहिए, असीं ताड़ियां मारिए तो नचे, असीं ताड़ियां मारिए तो नचे, मजा तो ता ही है ना। हुण एंड ऐ रह गया साडे मुल्क च, मुल्क होई ना तबाह, आटा महंगा, घ्यो महंगा, चीनी महंगी। ये बिलावल साहब उत्ते बैग वजीर आजम दी जगह ते नचन, अहीं ताड़ियां मारिए। गल हिजड़ियां दी हुकूमत अहीं हुण पसंद करने थक गए हैं, वोट दे के थक गए हैं, लैणा च ला के धक्के खाई तो वोट छीते नूं पाई तो मीदा आ जांदा अगे। अहीं कहिंदे छी अहीं तो वोट पाया छीते नूं, इह मीदे नूं कैसे चल गया? वह कहिंदे जनाब पैसा भरिया इलैक्शन कमीशन नौकरी। साढ़े किसी दारे के तबार नहीं,
गल नहीं समझ आई। हर कोई कोई भी अदारा है साडा समझ लो दिहाड़ी बाद दिहाड़ी लाता जाता हूँ। साड़ी ख्वाहिश कोई जो ताडा आखिरी पॉइंट तुम दस देना, मेरी दिली ख्वाहिश साडा वजीरे आजम हिजड़ा आना चाहिए, साड़ी हीरा मंडी भी बाद आवे, तबले सुरंगी उत्थे भी होन, ते असीं भी ताड़ियां मारीए, आटा उटा दिखाण लई सानूं लभणा कोई नहीं। ਉਹ ਘਰ ਜਾਈਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਜਾਈਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਟਾ ਲਿਆਏ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਆਟਾ ਲਿਆਏ ਇਹਨੂੰ ਆਟਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਘਰ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆਏ ਉਹਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਬਲਾਵਲ ਨੱਚੇ ਪਕਾਣਾ ਕੀ ਜੇ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਸਰ ਕੈਸੇ ਆਪ ਅੱਲਾ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆਪ ਸੁਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇਬਾਂ ਚ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋ ਸਰ ਲੋ ਕੱਢ ਲੈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਰਦੀ ਹੈ ਵੇ ਅੱਛਾ ਐਤਕੀ ਸਰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਐਤਕੀ ਸਰਦੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਈ ਹੈ 10-15 ਦਿਨ ਬਸ 10-15 ਦਿਨ ਹੀ ਪਈ ਬਸ 10-15 ਦਿਨ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਲਾਵਾ ਹੁੰਦੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਮਸ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈ ਉਸ ਦਾ ਥੱਕ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤੋਂ ਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀ ਬਾਤ ਹੈ लेकिन होने को कुछ भी हो सकता सही गल लेकिन नामुमकिन बन जाए बाय द वे ऐसा वजीर आजम मिले नहीं बन जाए उसका तो क्वालिटीज नहीं है ना वजीर आजम वाली क्वालिटी हो तो फिर चलो बंदा कह भी सकता है बिल्कुल सही लेकिन उसके अंदर क्वालिटी नहीं है वजीर आजम पर क्या क्वालिटी नहीं है मतलब क्वालिटी अपना क्या कहते हैं बस ये है कि इंसान को थोड़ा सा कैपेबिलिटी होनी चाहिए कोई बात करने का तरीका होना चाहिए उसको तो पता ही नहीं है कभी कांपे टांग रही हैं कभी कहता है आसमान से सलाम गुजर रहा है वही ना कहता आसमान से सलाब गुजर रहा है यार अकेला सलाब है जब आसमान तो नंगा ये कराची में मैदान कैसे मार लिया यार ये समझ कराची में आपको पता है पीपल पार्टी है कराची में कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है देखना सिंध और कराची से सिंध और कराची से कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान नहीं बन सकता नहीं बन सकता बिल्कुल भी नहीं कभी भी पंजाब जावे तो की बनेगा पंजाब जावेगा तो कुछ भी नहीं बनना है कि सीट एडजस्टमेंट हो जाए नून लीग के नाल तो फिर ठीक है नहीं तो अदरवाइज पंजाब जी तो पीपल पार्टी है बिल्कुल नून लीग तो सिर्फ पंजाब तक ही है ना नून लीग ने अपना कराची सिंध ए तो अपना बेवाका बकाव किया पंजाब की हद तक महदूद सी उत्थे भी हूँ जो हालात ने मुल्की हालात ठीक है जिस तरह करते पे ने वो भी की कहते हैं अपना मजीद जो ही रंधी खांधी कसर सी एनएनएस बाशी ने कट दी आ गए खाना खराब हो गया। बिलावल भुट्टो को मेरा ये पैगाम है कि आप वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब छोड़ें ठीक है वो मत देखें आप अपने बारे में सोचें कि आपने क्या करना है अपनी शादी के बारे में सोचें ये ना उधर जाके आपकी कांपे टांगने लग जाए ये बताएं कि वजीर आजम पाकिस्तान में बन सकता है बिलावल भुट्टो देखा वो कहाँ बन सकता है यार उसमें वो टैलेंट ही नहीं है कोई जो वजीर आजम वाला होता है वो कुछ भी नहीं है यार वो ऐसे ही फारे का बंदा है। सर नाम बताया दिलावर अली छापर ना आया छापरे सुल्तान मलिक सैफ आप किधर आ जाए माशाल्लाह क्या बात है इसको नहीं ते बाँ अपनी लैदा रखी कुछ बनाओ क्या कर दिया है बिल्कुल क्या बनाए को बताओ क्या बनाए एडा भोला साडा भरा एडा भोला है ठीक है जलेबियां लैन गया ठीक है उत्थे पाई इंजन जलेबियां कड़न दिया ते कहंदा भाई हो मैनूं चक्कर आ गया सबसे सवाल है आप नौजवान हैं माशाल्लाह आने वाले मुस्तकबिल में आप लोगों ने पाकिस्तान की भागदौड़ संभालनी है ये जो बिलावल भुट्टो साहब ने इधर मारा है मैदान कराची के अंदर पीपल्स पार्टी ने बड़े वोट लिए हैं और सारी सीटें ले गई है सफाया कर दिया है क्या समझते कि आने वाले वक्तों में मुस्तकबिल में वजीर आजम पाकिस्तान बन सकता है बिलावल भुट्टो नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं क्यों नहीं बन सकता उसके वो खुसरों का गुरु नहीं बन सकता वजीर आजम क्या बनेगा
उसके अंदर वो गुण ही नहीं है, उसके अंदर वो गुण ही नहीं है जो एक सीएम या पीएम बनने के लिए होने चाहिए, उसके अंदर वो बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ वहाँ पे खड़ा होकर एक शोपीस की तरह जो है वो कभी सैलाब को ऊपर से ले आता है, कभी वो जो है वो अंडों को किलो के भाव बेच रहा होता है, उसका ऐसे ही हिसाब किताब है। हुकूमत वो कर सकते लेकिन सिर्फ इशारों पर बस, इसके अलावा हुकूमत नहीं कर सकती, इशारों पर हुकूमत कर सकता है। सबसे ज़्यादा उसकी टांगें कांप रही होती हैं, कांपे टांग रही हैं, हैं ये सबसे फेमस है उसका। तो ऐसा बच्चा वज़ीर आज़म बहुत दूर की बात है, बच्चा है अभी बच्चा है, फीडर वगैरह पिए उसके पास की बात नहीं है। ठीक है, अभी अपने बाप को भेजिए मैदान में। जी नहीं नहीं हमें क्यों जी, जी बिल्कुल ऐसे ही है। बहरहाल नाज़रीन हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारे, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज्जत दे, इज्जत ले, मोहब्बत बांटे और मोहब्बत हासिल करे, और परवरदिगार पर यकीन रखे क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है, बेशक वही सब बेशक वही सब कर सकता है। मस्के जैनो को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे, कमेंट्स करते रहे और घंटी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि ससुरा आपके साथ है, क्योंकि ससुरा आपके साथ है, साथ है।